हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था, तभी से ये सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। देश में करीब 77% से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। भारत की मुख्य भाषा हिंदी को कब मिली पहचान, आइए जानते हैं। सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभी की ओर से हिंदी को आज़ाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्यों मनाया जाता है? नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि भास्कर है। मैं कक्षा तृतीय सह में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को देशभक्ति के कुछ शब्द सुनाना चाहती हूँ। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस देश पर कुर्बान होते हैं, जान देके भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है। धन्यवाद। मैं जा रही हूँ, वो गुनाम है, गुनाम है उसका तारे। आसमान में चमके तारे, लगते कितने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, झिलमिल झिलमिल करते तारे। रात अंधेरे जब होती है, राह दिखाने हैं ये तारे। नमस्कार, मैं हूँ तुषारी मंडल। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। देश के लिए प्यार और देश के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो उत्साह होता है वो देशभक्ति कहलाता है। देशभक्ति हमें अपने देश से प्यार करने और संपूर्ण मानवता को गले लगाना सिखाती है। ये लोगों की अपने राष्ट्र के प्रमुख कर्तव्य का पालन करने की ओर इशारा करता है। धन्यवाद। Bye.
जोना घोष, मैं क्लास 3C में पढ़ती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के लिए एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है माँ। माँ प्रभु का दूसरा है नाम, करो सब इसको प्रणाम। जब मुझको कुछ है होता, दौड़ी दौड़ी आती है माँ। इसका कहना कभी न टालना, इससे झूठ कभी न बोलना। पढ़ लिख कर काबिल बनना, माँ का नाम रोशन करना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अनुष्का दास। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है कक्कू। कक्कू माँ ने कोयल होता, लेकिन ये तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सब। नाम है इसका कक्कू। कोयल माँ ने मिसी जैसी मीठी, जिसकी बोली ये तो जाता भड़क कर, जब इसे करो तो नीचे चोली, इसीलिए तो कभी कभी हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम इसका कक्कू। कक्कू वो जो गाना गाए, बात बात में जो जीत जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ा लू को कहे ना कहे हम जक्कू। नाम इसका कक्कू। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति झा है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरा अनुक्रमांक 12 है। आज मैं देशभक्ति के ऊपर कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। हम बच्चे छोटे छोटे हैं, हम साहस हिम्मत वाले हैं, है गर्व हमें भारत माँ पर, हम भारत के रखवाले हैं। हमें लहरों का जोश भरा है, हमें पर्वत की ऊंचाई, हमें नदियों की चंचलता, हमें सागर की गहराई है। हम बच्चे अपनी ताकत से तूफानों की दिशा मोड़ दे, आसमान धरती पर रख दे, जग के सब प्रतिबंध तोड़ दे, हम कंधों पर रख दे अपनी इस धरती का भैरव विशाल, हमसे घबराते दुष्ट सभी, हम दुष्टों का महाकाल। शुक्रिया।
नमस्कार, मेरा नाम है समर यादव, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, रोल नंबर 43। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है दाहे चंदा बनकर सब तारों को अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोज जमाऊं, मन करता है तितली बन करता है पापा बनकर कर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ते जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर बचाऊं, मन करता है चक्की लेकर लाल पीले पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संबित चक्रवर्ती है, मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं देशभक्ति के ऊपर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देशभक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम और वफादारी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग अपने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों को देशभक्त कहा जाता है। देशभक्ति की भावना एक दूसरे को करीब लाती है। किसी भी व्यक्ति का देश के लिए अमूल्य प्रेम और भक्ति देशभक्ति की भावना को परिभाषित करती है। धन्यवाद। स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम शतविशा नाथ है, अनुक्रमांक 24। मैं क्लास तीसरी की ओर से हूँ। सभी मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को हिंदी दिवस की। मेरी कविता का नाम है काली कोयल। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, आमों की डाली पर वो गाती, बच्चों के मन को बहलाती। काली कोयल बोल रही है, क्या अम्मा की याद सताती, यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रोहित साव है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, मैं सुभाष साव से हूँ। आज मैं आप सभी को एक मज़ेदार कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का नाम मिठरू जी। जामुन खाकर घूम रहे थे एक बाग में मिठरू जी, टेलीफोन में मैना बोली कब आओगे मिठरू जी, सुनो शाम को जल्दी आना देर न करना मिठरू जी, खट्टे मीठे आम रसीले साथ में लाना मिठरू जी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नीतू है, मैं कक्षा 3 से हूँ, मेरा रोल नंबर 15 है। आज मैं आपको हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का नाम है गुनगुनाओ। सुबह सुबह हम करते सैर, भैया है नदी में तैर, बैठ पेड़ पर मैना गाती, कैसे मीठा राग सुनाती, महीना महीना जरा हमें बताना कैसे सीखा मीठा गाना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बालीव्रत घोष है, रोल नंबर 41, फ्रॉम क्लास 3C। देश ऊंचा रहे हमारा, हम उम्र में छोटा है, लेकिन अपना देश को कभी छोटा नहीं बनाएंगे, हर मुश्किल को पार करेंगे और हम हिमालय पर्वत पर चढ़कर वार करेंगे, लेकिन अपना देश को कभी नहीं झुकाएंगे, चाहे वो 1000 सैनिक हो और हम केवल 10, हम मर जाएंगे, अपनी सीना को चीर कर डालेंगे, परंतु
अपना देश को कभी नहीं झुकाएंगे। नमस्कार। सुप्रभात मैम, मेरा नाम तोमर घोष है। आज हिंदी दिवस है। मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सवेरा सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चे हुआ सवेरा, आओ मीठी हवा का फेरा, चिड़िया ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चे अब मत सो, इतना सुंदर समय ना खो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ तोशानी मंदिर। आज है हिंदी दिवस। आज मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। उसका शीर्षक है हिंदी। भारत की है बोली हिंदी, हम सबकी हम जोली हिंदी, हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी, पुरखों की है ये सौगात, सब करते हैं इसका इसकी ही बात, अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे हो परिचित कोई, हम सबका है ये अभिलाषा, हिंदी हो सबकी भाषा, सदा करे इसका सम्मान, इससे हो भारत का मान। नमस्कार, मेरा नाम हितिका सिंह है। मैं कक्षा 300 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको देशभक्ति पर कुछ बताने जा रही हूँ। देशभक्ति देश के प्रति प्यार और सम्मान के की भावना है। देशभक्त अपने देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम तथा उस पे गर्व करने के लिए जाना जाता है। दुनिया के हर देश में उनके देश भक्तों का समूह होता है, जो अपने देश के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, सभी को हिंदी दिवस की शुभेच्छा। मेरी नाम आरतिका दास है। आज मैं एक कविता बोलने जा रही हूँ और उस कविता की नाम है हमसे सब कहते, और कवि का नाम है नरेंद्र देव सेवक। नहीं सूर्या से कहता कोई, धूप या पर मत फैलाओ, कोई नहीं चाँद से कहता उठा चाँदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधर या बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका चलता जो चाहे दाद बताए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोहित साव है। मैं कक्षा 3 से मैं पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी भाषा के ऊपर कुछ बोलने जा रहा हूँ। सम्य देश था, सम्य भेष था, सम्य हमारी भाषा थी, बनी रहे अपनी से हम पूंजी, यही हमारी अभिलाषा थी, कहाँ गई अपनी वो भाषा, कहाँ हमारी बेस है, भूल गए क्या भारतवासी बापू का ये देश है, आज हमारी संस्कृति पर पश्चिमी रंग जमाया है, छोड़कर अपनी हिंदी भाषा अंग्रेजी को अपनाया है, खान पान व्यवहार सभी कुछ अपना नहीं पराया है, चारों तरफ पश्चिमी सभ्यता ने अपना रंग जमाया है, फिर से जगाओ आत्मगौरव जो भारत की शान है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा यही अपनी पहचान है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति जय है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरा अनुक्रमांक 12 है। आज मैं आपको हिंदी दिवस पर एक हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है छोटी सी मेरी गुड़िया। छोटी सी मेरी गुड़िया है जादू की पुड़िया,
नीली उसकी आंखें टुक 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 देखे, लाल गाल फुलाती है, चिट्टाना उड़ाती है, मुंह ब्रश कभी करती नहीं, मुंह कभी धोती नहीं, ऐसे ही खेल रचाती है, खिलौनों में खो जाती है। चावल पकाए कच्चे रह गए, दाल पकाए पतली हो गई, रोटी बनाए जल गई, घी सारा गिर गया, कोई भूखा ना रहे, ठहरो बनाती माल पुए, माल पुए बनाने निकली चिपक के बैठे हाथ, कुएं से पानी लाने को निकली, खत्म हो गई बात, शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम प्रथम कुमार ताती है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे कवम है देने वाला इसे महान, कितना प्यारा यह संसार, फूल चांद और ठंडी बयार, प्यारी घर की भी दुनिया, माँ पापा तीनों गुड़िया, धूप लगे सूरज की ऐसे, सोना बिखर गया हो जैसे, तारे गाते लगते हैं, कितने झिलमिल करते हैं, देखो रोज़ भरता मन, उस पर चलती मधुर पवन, होता मन हैरान बड़ा, बिन खंबे ही गगन खड़ा, सचमुच जीवन है वरदान, देने वाला इसे महान, उसे नमन मैं करता हूँ, उस पर हम पर बहुत आसान, धन्यवाद। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल, मेरा नाम अंसारी शिव अहमद है, मैं कक्षा तीसरी से का विद्यार्थी हूँ, मेरा अंक क्रमांक 40 है, मैं आपके सामने अपना विचार रखना चाहता हूँ। मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, इसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जिस तरह महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इत्यादि ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, हम भी दीवार बनकर इस देश के दुश्मनों का डटकर सामना करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम संजय चक्रवर्ती है, मैं कक्षा तीसरी सी का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है चिड़िया। चिड़िया रानी तुम हो पेड़ों की रानी, सुबह सवेरे उठ जाती हो, ना जाने क्या गाती हो, तुम भी क्या पढ़ने को जाती हो या नौकरी करने को जाती हो, शाम से पहले आती हो, बच्चों का दाना लाती हो, भर भर चोंच खिलाती दाना, चू चू चहक सुनाती गाना, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शोविक नंदी है, मैं कक्षा तीसरा समय पढ़ता हूँ। मैं आज देशभक्ति के ऊपर कुछ वाक्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसी भी देश की स्वतंत्रता के लिए देशभक्ति की भावना और संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। एक देशभक्त व्यक्ति वो होता है जो हमेशा अपने देश की आवश्यकता और प्यार के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। किसी भी व्यक्ति के सबसे अच्छे गुणों में से एक देशभक्ति होता है। ये मन की पवित्र भावना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सतविसा दास है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिस कविता का नाम है हमसे सब कहते। इसका लेखक का नाम है
निरंकर देव सेवक। नहीं सूर्या से कहता कोई तुम यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधर यहाँ बरसाए, फिर क्यों भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहते हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट पता। धन्यवाद। कृतिका सिंह है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी दिवस पर भाषण देने जा रही हूँ। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन पूरे उत्साह के साथ भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एहसास दिलाना ही नहीं, जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुनिधि कुमारी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ और मैं आपके सामने देशभक्ति पर कुछ सब कहने जा रही हूँ। आन देश की, शान देश की, इस देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक लगती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखती हूँ। भारत माता से गुजारिश है कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर या फिर कभी जिंदगी ना मिले। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मणिकृत घोष है। रोल नंबर 41, हम क्लास 3 से। हिंदी दिवस का शुभेच्छा सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स और सभी फ्रेंड्स को। मेरा पूरे जगत नाम है प्यारा झंडा। 3 रंग का प्यारा झंडा कहते सभी इसे तिरंगा। भारत की ये शान है, इस पर हमें अभिमान है। हर रंग कुछ कहता है, सीख हमें कुछ देता है। जा रहा हूँ। भारत की है बोली।
कमजोरी हिंदी, हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी, पुरखों की है ये तौबार, सब कहते इसकी ही बात, कन पर हो या शिक्षित हो मेरा नाम है नैना गुप्ता। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ, 3C में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लोमड़ी और सारस। वो एक लोमड़ी था जिसके गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया था। वो बहुत छटपटा रहा था और वो मन ही मन सोचा कि अगर ये मेरे गले से हड्डी नहीं निकला तो मेरी जान जा सकती है। वो सोचा कि ये तो मैं अपने से नहीं निकाल सकता, मुझे किसी की मदद लेनी होगी, वो तभी आगे चलता है। वो जब आगे चलता है तभी उसको एक खरगोश दिखता है। वो खरगोश से कहता है कि खरगोश भाई, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरी एक मदद कर दोगे? मेरे गले में एक हड्डी फंस गया है, वो निकाल दोगे? खरगोश ने कहा, मेरा दिमाग खराब नहीं है, भूल गए उस दिन जिस दिन तुम मुझे मारने जा रहे थे? मैं किसी भी तरह करके अपनी जान बचाया था। नहीं नहीं भाई, तुम आगे बढ़ो। तभी वो जब आगे चलता है, वो एक बंदर को देखता है पेड़ में बैठे। वो बंदर से कहता है कि बंदर भाई, मेरा गले से एक हड्डी निकाल दोगे? वो बंदर कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे हाथ में केला है, मैं केला खा रहा हूँ। आगे नहीं भाई, आगे बढ़ो। वो जब आगे बढ़ता है तभी मन में मन सोचता है कि अब जो भी आगे आए, मैं उसके हाथ पैर पढ़ के उसको बनाऊंगा और ये मुसीबत को दूर करूंगा। वो जब आगे बढ़ता है तभी उसको नदी के किनारे एक सारस दिखता है। वो सारस से वो तभी उस सारस का मुंह देखकर कूदने खुश होने लगता है और सारस के पास जाता है और सारस को बनाने लगता है कि सारस भाई, मेरे एक तुम्हारे कितने बड़े चोंच हैं, मेरे एक मदद कर दोगी? उसने कहा कि
जानते नहीं कि जब तुम्हारा चोंच मेरे गले में था तो मैं चाहता कि मैं तुम्हें अभी ही मार सकता था, लेकिन तो तुम ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसीलिए ही तुम्हारा यही एक इनाम है। मेरे आपके सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा। थैंक यू। यही कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें गंदे लोगों की हमें कभी भी दुष्ट लोगों की बात में नहीं आना चाहिए। हम लोग अपने सूझबूझ से, अपने समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम अंसारी सोद अहमद है। मैं कक्षा तीसरी से का विद्यार्थी हूँ। मेरा अंक क्रमांक 40 है। मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ पे रोज एक बंदर खेलने आता। जब उसे भूख लगता तो वो मीठा जामुन खाता। जब उसे प्यास लगता तो वो नदी का ठंडा पानी पीता। एक दिन एक मगरमच्छ खाने की तलाश में घूमते घूमते वहाँ आ पहुँचा। तो वो कहता है, तुम कौन हो? बंदर ने कहा। तो मगरमच्छ कहता है, मैं एक मगरमच्छ हूँ। बंदर कहता है, तुम बड़े अजीब हो, मुझे लगता है तुम भूखे हो। तो वो पेड़ का एक टहनी लेता है तो जामुन नीचे गिरते हैं तो वो खाता है। तो मगरमच्छ पूछता है, ये कौन सा फल है? तो बंदर कहता है, ये जामुन का फल है। तो वो कहता है, लो और लो, अपने घर ले जाओ, अपनी पत्नी को भी देना। तो वो अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी खाती है, कहती है, ये कौन सा फल है? वो कहते हैं, ये जामुन का फल है। तो उसकी पत्नी कहती है, वो रोज़ जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, जाओ उसे बुला कर लो, मुझे उसका दिल खाना है। तो मगरमच्छ कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी। वो कहती है, जा उसे ले के आओ दावत पे। तो वो कहता है, ठीक है। आखिर में वो कहता है, ठीक है। तो जब वो जाता उसे लेने तो वो बड़े उदास से जाता है। तो बंदर बोलता है, क्या हुआ दोस्त, आज तुम बड़े लेट आए और तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो कहता है, मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। तो वो कहता है, बंदर कहता है, ये तो अच्छी बात है। तो वो उसकी पीठ पे बैठ जाता है। तो मगरमच्छ उसे ले कर जाता है। आधे रास्ते पे मगरमच्छ सोचते, क्यों नहीं इसे बता दूँ। वो बता देता है। तो बंदर कहता है, रुको रुको, मेरे एक और दिल है, चलो मैं उसे ले कर आता हूँ। तो जब वो लेने जाता है तो बंदर झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है। कहता है, जा गद्दर मेरे आँख के सामने से जा, और फिर कभी नहीं आना लौट के यहाँ। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें किसी भी इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार मेरे आदर शिक्षक को, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है समर यादव। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है जादुई चक्की। एक दिन गांव में 30 सहेलियाँ रहती थी, बादवी, नविया, गीता, और तीनों सहेलियाँ बातें करते थे। तभी एक कंगन वाला आया, कंगन ले लो, कंगन, रंग बिरंगे कंगन। तो बादवी ने, उसके पास पैसे नहीं थे, तो नवीना, मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो घर में जाके उसकी माँ ने रखा कि हाय, क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मुझे कोई कंगन चाहिए था। सबने खुशी खुशी कंगन खरीदा। मेरे को भी एक कंगन चाहिए था। हाय मेरी बच्ची, हमारे सबसे अच्छा दान होता है, ताकि जिससे किसी की दयालु से किसी की मदद करना। तो तभी वो तीनों सहेलियाँ बातें करने लगी। तो तभी एक गधा आया, उसने अपनी माँ की बात याद की। तो उसने तीनों सहेलियाँ अपनी सहेलियाँ से मदद मांगी। हाय मैं तो इस, ये तो गधा कितना गंदा है, मैं तो इसके सामने भी नहीं जाऊँगी, माफ करना वादवी, ये मेरे नए कपड़े हैं। तो उसने खुद ही निर्णय लिया कि अकेले उसकी मदद करेगी। तो उसने लकड़ियाँ ले,
तभी एक बूढ़ी महिला आई तो उसने, रुक जा बिल्लू कितना दौड़ाएगा मुझे तू। तो तभी एक बच्ची, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी मैंने भारी बोझ उठा हुए देखा तो मैंने इसमें थोड़ी सी मदद कर दी। तुम कितनी अच्छी हो, चलो मेरे घर तक इसे ले जाके, तुझे घर तक पहुंचा दिया तो तुझे, उसने बोला कि ठीक है अम्मा मैं चलती हूँ अलविदा। तो तभी उसने उसने सोचा, एक चक्की दिया, रुको एक चक्की दिया, तो उसने सोचा कि उसके माँ के काम आएंगी। तो फिर उसके बाद ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं, एक जादुई चक्की जो तुम बोलोगे वो तुम्हें दे देगा। और फिर उसके बाद वो भेंट स्वीकार करी, माँ देखो एक चक्की, देख जादुई चक्की, कोई ये साधारण नहीं था। तो फिर उसके बाद द उसने वह ए चक्की हमें चावल देते हो, पूरा भरते रहा, भर गया पूरा घर। बेटी हम इसे अब रोकेंगे कैसे? ए चक्की तूने काम तो बहुत ही बढ़िया किया, अब रुक जा भी। तो रुक गया, हम इन चावल का क्या करेंगे? उसने पूरे दुकान में बेच दिए। तो फिर उसके बाद उसने दुकान में उसने पैसे कुछ कमाए। फिर उसके इसलिए कंगन गहरे, उसने नए नए कपड़े पहने। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम देश से दयालु की किसी मदद करेंगे तो उसका इनाम हमारे पास आ जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तोमर घोष है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी हैं। देशभक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम और वफादारी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग अपने देश की सेवा के लिए अपने जीवन समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों को देशभक्त कहा जाता है। देशभक्ति की भावना लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। हमें देश के साथ साथ वो रहने वाले लोग के विकास के लिए भी दोनों देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का देश के प्रति प्रेम और भक्ति देशभक्ति के भावना को परिभाषित करती है। जो लोग सच्चे देशभक्त होते हैं वो अपने देश के प्रति और उसके निर्माण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोहित साव है, मैं कक्षा 3 से में पढ़ता हूँ। मैं सुभाष साव से हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है कौवा काला क्यों। बहुत समय पहले सभी पक्षियों के रंग सफ़ेद होते थे, इसके वजह से शिकारियों की मौत होती थी। सभी पक्षियों ने भगवान जी से अपनी ये शिकायत की। भगवान जी ने कहा, मैं 7 दिनों में रंग तैयार करता हूँ, तुम सब इसी जगह पर मुझे दोबारा मिलना 7 दिन बाद। सभी पक्षियों ने उस जगह पर पहुंच गए 7 दिन बाद। तभी भगवान जी ने उन्हें रंग देना शुरू कर दिया। पहले आए तोते की बारी। भगवान जी ने कहा तुम्हें कौन सा रंग चाहिए तोते? तोते ने कहा, भगवान जी मैं हरे भरे पेड़ों पर रहता हूँ, आप मुझे वैसा ही रंग दें, पर मेरी चोंच लाल कीजिएगा, मेरी पसंद की लाल मिर्ची जैसी। भगवान जी ने उन्हें हरा रंग दिया, बस उनकी चोंच लाल कर दी। इसके बाद एक चिड़िया रानी की बारी। चिड़िया रानी ने बोला,
भगवान जी मुझे मैं आप भूरा रंग दीजिए। मैं मिट्टियों में दाना चुगती हूँ और मेरा घर भी सूखी घास और छोटे तिनकों से बनता है। भगवान जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसके बाद सभी पक्षी ने सभी रंगों को भगवान जी ने उन्हें बांट दिया। उस पर अभी तक कौआ कोयल बतख बकुला नहीं आए थे, पर बाकी के पक्षियों ने उन्हें बुलाया। कौआ और कोयल वहाँ झट से पहुँचे और भगवान जी से कहा, भगवान जी हमें भी रंग दीजिए। और वहाँ सभी रंग बस थोड़े थोड़े ही बचे थे। कौए ने कहा अपनी चालाकी से, भगवान जी सारे रंगों को मिला दीजिए और जो नया रंग बनेगा वो हमें दे दीजिए। भगवान जी ने हंसे क्योंकि उन्हें पता था सभी रंगों को मिलाने से काला रंग बनता है, पर भगवान जी चुप रहे और उन्होंने सभी रंगों को मिलाकर उन्हें दे दिया। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिल्कुल काले काले बेचारे क्या करते वहीं से चले गए। रास्ते में उन्हें बतख और बकुला दिखा। वो लोग उन्हें देखकर बहुत हंसने लगे, उनके मजाक उड़ाने लगे। तभी कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, काला तो काला कोई रंग ही ना है, तुम लोग को तो वो भी नहीं। टुक 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 टुक। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी के रंग पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें हर काम समय पे करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप भास्कर है। मैं कक्षा के लिए सहयोग करती हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। खरगोश और कछुआ एक बहुत बड़े बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब दोनों खेलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ और खरगोश को बहुत घमंड था कि ये मेरे से कभी भी नहीं भाग पाएगा मेरे से आगे, और मैं बड़ी तेज तेज भागता हूँ। तो उन दोनों के लिए एक बार रेस लगी कि चलो दोनों के दोनों दौड़ कर दिखाओ। तभी जब खरगोश ने बोला वेरी स्टेडी गो, तभी वो दोनों भागने स्टार्ट किए। और आप लोग भी जानते ही हैं कि खरगोश बड़े तेज तेज भागते गया वो सुधक सुधक कर चला गया, और कछुआ एकदम धीरे धीरे आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गया। तभी रैबिट चलते चलते मतलब खरगोश चलते 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 पीछे होकर देखा और बोला, अरे ये तो मेरे से बहुत पीछे, ये तो कभी भी रेस में नहीं जीत पाएगा। मैं काम करता हूँ अभी के लिए, तो मैं इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, फिर देखता है वो आता है कि नहीं, मैं फिर भाग जाऊँ। फिर वो वहाँ पर बैठ कर आराम करता है, तो उससे समय पता ही नहीं चलता कि इस समय कितना बीत चुका। तब उसको धीरे धीरे नींद आ जाती है, तो वो सो हो जाता है। तभी कछुआ दौड़ते मेहनत करते करते उसके पास तक पहुँच जाता है। फिर कहते हैं, ये तो एकदम पीछे, अभी इसको सोने देता, मैं उठाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं आगे चले जाता हूँ, मैं रेस को जीत जाता। बहुत मजाक उड़ाता है ना मेरा। तो बहुत मेहनत कर करके वहाँ तक पहुँच ही जाता है। फिर खरगोश उठता है और कहता है, चलो अभी बहुत हो गया, अभी ये तो पीछे ही रहा होगा, मैं बढ़ता हूँ अपनी रेस को ख़त्म करने के लिए। तो वो आग चलता है, सुधर सुधर कर वो वहाँ तक पहुँचता है। और वो लोग जहाँ पर थे, एक पेड़ था, वहाँ पर एक डंडी खींची हुई थी। तो वहाँ पर वो पूछा, अरे ये कछुआ तो बहुत आगे निकल गया मेरे से, मेरे को वहाँ पर आराम करना ही नहीं चाहिए। तब पता नहीं कैसे नींद आ गई। वो लोग बोला, तुम्हें तो नींद के चक्कर में थी और तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे ना, लो अब मैं जीत गया रेस में। तो उसने बोला, हाँ मेरे को माफ़ करना, मैं आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूँ। तो आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा कि कभी भी दूसरों को घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और अपने से बड़े हो या फिर छोटे हो उनको नीचा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शुभेच्छा बारवी है। मैं कक्षा 3 विभाग सी में पढ़ती हूँ। मेरा अनुक्रमांक 26 है। मेरा पोशाक सदन पीला है। मैं देशभक्ति के ऊपर कुछ कविता बोलने जा रही हूँ। मेरा देश महान, देश मेरा यह सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा,
पर्वत ऊंचे ऊंचे इसके, पर्वत ऊंचे ऊंचे इसके करते हैं रखवाली। लंबे लंबे नदियां इसके फैलाए हरियाली। देश मेरा यह सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। झरझर करते निर्मल झरने, झरझर करते निर्मल झरने, गीत खुशी के गाए हम। सरसर करते हवा चले तो, सरसर करते हवा चले तो, फिर पेड़ खड़े खड़े लहराए। देश मेरा यह सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रिकू है। मैं कक्षा 3 6वीं, मेरा अनुक्रमांक 15 है। आज मैं आपको देशभक्ति व निबंध सुनाने जा रहा हूँ। मुझको मेरा देश पसंद है, इसका हर संदेश पसंद है। इसकी मिट्टी में मुझको आधी सौधी सी सुगंध है। इसका हर एक बात निराली, इसकी हर सौगात निराली। इसके वीरों के साथ इसके वीरों की गात सुन आती एक नई उमंग है। कितनी भाषा कितने लोग, हर एक की एक नहीं है सोच। संस्कृति सभ्यता भले हो भिन्न, पर मिलते एकता के चिन्ह। जो गर देश पर आ जाए आज, एक होकर सब आते साथ। मेरा देश है बड़ा महान, थे ये हर एक गुणों की खान। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुनीधि कुमारी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है घमंडी गुलाब। एक बार एक गुलाब था, उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। वह एक बात से निराश था कि वह एक कैक्टस के बगल में उगा था। वह रोज कैक्टस का तिरस्कार करता था, पर कैक्टस शांति रहता था। सभी पौधे गुलाब को समझाने की कोशिश किए, पर गुलाब अपनी सुंदरता पर ही घमंड था। गर्मियों के मौसम में बगीचे के बीचों बीच एक कुआं सूख गया था, जिससे पौधे को पानी नहीं मिलती थी। गुलाब अब मुरझाने लगा था। गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस में चोंच झुकाकर पानी पी रही है। हालांकि गुलाब शर्मिंदा हो गया। गुलाब ने तब भी थोड़ी पानी मांगी कैक्टस से। दयालु कैक्टस पानी दे दिया, और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती हो गई, और उन दोनों ने गर्मी का मिलकर सामना किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति के इसके रूप के आधार पे उसका राय नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विदुषी पांडेय है। मैं कक्षा 3 समय पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मेरा भारत के ऊपर कुछ शब्द कहने वाली हूँ। मेरा महान भारत हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश है। यहाँ विविधता में एकता है। वीरों ने अपना बलिदान देकर 1947 में भारत को आजाद अंग्रेजों से आजाद करवाया है। इस देश के मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे अपना देश प्राण से भी प्यारा है। मैं भारत देश में जन्म होकर अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति जैन, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरा अनुक्रमांक 12 है। आज मैं हिंदी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हाथी और चींटी।
एक जंगल था जहाँ कई सारे जानवर रहते थे। उनमें एक हाथी और एक चींटी थी। हाथी हमेशा चींटी का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन चींटी ने हाथी से मिलने के लिए उसके घर गई। हाथी फिर से बोला, हाँ हाँ आ गई छोटी चींटी, आ गई छोटी चींटी। फिर चींटी को बहुत बुरा लगा, वो रोते रोते अपने घर गई और वो रात भर सोचती रही, काश मैं हाथी जितनी बड़ी होती, काश मैं हाथी जितनी ताकतवर होती। अगली सुबह हाथी और चींटी फिर से मिले उसी जंगल में। फिर हाथी ने उसका फिर से मजाक उड़ाया, लेकिन यह क्या, चींटी तो रो ही नहीं। चींटी बोली, हा 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 तुम भले ही मुझसे कद में बड़े हो, लेकिन अकल में मुझसे तो तुम ही छोटे हो। फिर हाथी को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी भारी आवाज में बोला, हाँ मैं तुमसे कद में भी बड़ा हूँ, अकल में भी बड़ा हूँ। फिर चींटी ने कहा, यह पंख लो और अपनी सूंड उठाओ और उस पर इसे रख लो, और फिर देखते हैं तुम पूरे दिन इसे क्या अपनी सूंड पे रख पाते हो। फिर हाथी ने कहा, हाँ ये भी कोई चुनौती है। हाथी ने जैसे ही वो पंख अपनी सूंड पे रखा, ये क्या, पलक झपकने से पहले ही उसका पंख गिर गया, क्योंकि वह पंख बहुत पतला था। और फिर चींटी की बारी है। चींटी ने तो सिर्फ अपने एक हाथ से उस पंख को पूरे दिन तक रखा। अभी सुबह जब हाथी ने उसे देखा, तब भी वो पंख पकड़ी ही हुई थी। फिर हाथी ने उससे माफ़ी मांगा और बोला, माफ़ कर दो चींटी बहन, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मजाक कर। फिर चींटी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा सबसे होता है, लेकिन आज के बाद किसी को भी किसी के कद से मजाक ना उड़ाना। फिर हाथी और चींटी दोस्त बन गए। इस कारण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कहीं भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कद में हो चाहे वो अकल, सभी में अपनी एक खासियत होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपिका सिंह है, मैं कक्षा 3 समय पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक समय की बात है, एक आदमी था जो मुर्गियों का व्यापार करता था। तो एक दिन उसे एक ऐसी मुर्गी मिली जो सोने के अंडे देती थी, लेकिन वो उसे रोज एक ही सोने के अंडे देती थी। तो ऐसे ही करते करते वो अमीर हो जाता है। तो एक दिन जब वो सोने जाता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं इस मुर्गी का पेट काट दूं, तो मुझे एक दिन में बहुत सारे अंडे मिल सकते हैं, तो मैं एक ही दिन में अमीर हो सकता हूँ। इसीलिए वो अगली सुबह वैसा ही करता है। तो फिर जैसे ही वो उसका पेट काट देता है, तो वो अपने माथे पे हाथ रख कर रोने लगता है कि नहीं, मुझे इसका पेट नहीं काटना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी भला है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे आदरणीय शिक्षकगण, मैं शुभेच्छा बारुई क्लास थ्री विभाग सी में पढ़ती हूँ। मेरा पोशाक सदन पीला है। मेरा अनुक्रमांक 26 है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेहनती ईमानदार लकड़हारा। एक लकड़हारा था जो अपनी पूरी परिवार के लिए लकड़ी काट कर पैसा कमाता था। बस वो एक दिन गया लकड़ी काटने, वो लकड़ी काट ही रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। पानी के देवता, वो चिल्ला के रोने लगा। पानी के देवता वरुण देव निकल के प्रकट हुए और बोला कि तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा एक ही कुल्हाड़ी था जो पानी में गिर गया, उसी से मैं अपना पूरा परिवार का पेट पालता था। तो वो
डुबकी लगाते हैं और बोलते हैं वरुण देव कि ये तुम्हारा है क्या, सोने की लेके आते हैं और वो बोलते हैं ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है क्या, वो बोलता है कि नहीं मेरा ये नहीं है, मेरी तो लोहा का था। तो वो बस गए फिर डुबकी लगाते हैं, फिर चांदी का लेके आते हैं, बोलते ये तुम्हारा है क्या, वो बोलते नहीं मेरा लोहा का था। फिर वो डुबकी लगाते हैं तो वो लोहा का निकालते हैं, बोलते ये तुम्हारा है क्या, वो बोलते हाँ हाँ ये मेरा है। बस वो लेके जाते ही हैं तो वो बोलते हैं कि रुक जाओ तुम लालची नहीं हो, तुम्हें ये दो, तुम्हें सोने और चांदी की दोनों को मिलेगी। तो वो दोनों दे देता है और वो बोलता है धन्यवाद। तो वो जाता है अपने गांव और बोलता है अपने दोस्तों को कि देखो मेरे तीन कुल्हाड़ियाँ मिली है, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। देखो मुझे नदी के वहाँ से मिली है। वो जाता है अपनी बीबी को दिखाता है, बीबी बहुत खुश होती है। लेकिन उसमें से एक उसका दोस्त एक लालची होता है, लालची मुकेश, उसका नाम होता है मुकेश। जाता है वो और अपनी कुल्हाड़ी लेकर, वो भी जहाँ पे उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी वहीं पे जाता है और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। वो बोलता है कि मैं भी अगर लकड़ी काटूँगा तो मुझे भी इतने सारे मिलेंगे। तो वो लकड़ी काटता है और जानबूझ के अपना कुल्हाड़ी नदी में गिरा देता है। पानी के देवता वरुण देव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, तुम कितना क्यों रो रहे हो। वो बोलता है कि मेरा एक ही कुल्हाड़ी था जिससे मैं अपना घर का, मैं अपने बीवी और बच्चा का पेट पालता था, वो गिर गया। तो फिर वरुण देव पानी में डुबकी लगाते हैं और बोलते हैं ये है, और सोने की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। वो बोलता है तुम्हारा ये है क्या, वो बोलता है हाँ हाँ ये मेरा है। तो वो बोलता है लाइए दीजिए मेरी कुल्हाड़ी। बस जैसे ही वो आगे बढ़ता है वरुण देव नदी के बीचों बीच चल जाते हैं और बोलते हैं तुम बहुत लालची हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच बुरी भला होती है। धन्यवाद। नमस्कार मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुनीति रॉय कक्षा 3C से आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है मुर्गे की घमंड। दो मुर्गे कई जानवरों के साथ एक खेत में रहते थे। एक दिन पहला मुर्गा ने कहा, मैं दुनिया का सबसे बलवान मुर्गा हूँ और सब जानवरों का राजा हूँ। अगले मुर्गे ने कहा, नहीं नहीं तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। पहला मुर्गा था थोड़ा समझदार, उसने उससे कहा, हम दोनों एक लड़ाई की प्रतियोगिता रखते हैं, जो इस लड़ाई की प्रतियोगिता में जीतेगा वही सब जानवरों का राजा है। पहले मुर्गे ने दूसरे मुर्गे की बात सुन ली। अब लड़ाई में पहला मुर्गा जीत गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर सभी जानवरों से कहा, आप देखें मैं कितनी बहादुरी से लड़ा हूँ, मैं तो पहले से ही जानता था कि मैं दुनिया का सबसे बलवान मुर्गा हूँ। एक चील ने उड़ते उड़ते जब ही घमंडी मुर्गे की बात सुनी तो वो नीचे आकर उसे दबोच कर अपने घोंसले में ले गई। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? घमंडी का सिर सदा नीचे होता है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों, मैं विदुषी पाणिग्राही कक्षा 3C की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी भाषा के महत्व पर एक भाषण देने वाली हूँ। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी भाषा की अनदेखी को रोकने के लिए 12-14 सितंबर हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी एक सरल भाषा है। हिंदी भाषा में भावनाओं का सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इस कारण
इस भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए इस भाषा को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। इसीलिए हिंदी हम लोग का राजभाषा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोहित साहू है। मैं कक्षा तीसरी सह का छात्र हूँ। मेरा अनुक्रमांक 21 है। आज मैं आप सभी को हिंदी भाषा के कुछ महत्व बताने जा रहा हूँ। हम भारतवासी हैं, हम भारत देश में रहते हैं। 14 सितंबर 1949 में हिंदी राष्ट्रभाषा हिसाब से चुना गया है। हिंदी का इतिहास हजारों साल पुराना है। 14 सितंबर 1953 से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अमीर और गरीब दोनों लोग ही बोल सकते हैं। भारत में ऐसी कई सारे बोलने वाली भाषा हैं, पर हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। बहुत लोगों को अंग्रेजी बोलने और लिखने नहीं आती है, तो वो लोग हिंदी भाषा बोलकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। हिंदी लिखने में और पढ़ने में दोनों में ही आसान है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए हम हिंदी भाषा के पूरे भारत में बोली जाती हैं। हम हिंदी भाषा के मदद से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कृतिका सिंह है। मैं कक्षा 300 की छात्रा हूँ और मैं आपको हिंदी भाषा के महत्व को बताने जा रही हूँ। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन पूरे उत्साह के साथ भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की राष्ट्रभाषा है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।